आठों के आप देख रहे हैं और सवाल ये कि क्या ताजमहल के नीचे शिव मंदिर है, ये सवाल उठाया स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हैं, हमारे साथ विवेक विराट साहब हैं धर्मगुरु हैं, हमारे साथ अंसार रजा हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन जुड़े हैं, बीएल तिवारी साहब हैं बीएचपी के नेता हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ बकल नवाब भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है। तो ब्रेक के पहले सुधांशु तिवारी जी, हमने बात आप पर छोड़ी थी, जब राम सेतु की बात आती है कोई सरकार उसको कल्पना बता देती है तो आप लोग नारा लगाने लगते हैं, लेकिन आपके सामने जब सवाल आता है तो आप कहते हैं कि ये कल्पना है। राम मंदिर के लिए भी बहुत से लोगों ने कहा था कि कल्पना है, ये तो मस्जिद ही थी, कानून ने साबित किया ना जांच होने के बाद कि क्या क्या था वहां पर, इसकी जांच कराने में परहेज क्यों है? रोहित जी मैंने तो पहली बात इसको काल्पनिक कहा ही नहीं, कल्पना कहा ही नहीं, तो ये मेरे मुंह में कम से कम ये शब्द ना डाले जाए। मैंने कहा तो उनका व्यक्तिगत मत है, उनको अपनी मत जाहिर करने का हक है। आपने कहा कि ये जो है कोर्ट ने नोटिस दिया, आपने यही कहा था ना, ठीक। मैंने कहा कोर्ट आदेश दे दे, कोर्ट जिस दिन आदेश देगी कि आप उसमें जांच करिए, फौरन जांच हो जाएगी। जो एक न्यायिक प्रक्रिया इसके साथ बनी हुई है उस प्रक्रिया का उल्लंघन सरकार करनी चाहिए क्या? जरूर करे, कोर्ट कहे कि भाई इसमें आप जांच करिए, इसके नीचे वो है, और वाकई अगर निकलेगा तो निकलेगा। आज का जो कानून है मैंने आपको उसका प्रावधान बताया कि आज के कानून के प्रावधान में सरकार करने में इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप जब विपक्ष में रहेंगे आप इसको तो ऐसे मुद्दों को ऑन कर लेंगे कहां से, लेकिन सरकार में रहेंगे तो आप खुद ऑन करके खुद कुछ इनिशिएट नहीं करेंगे। मैं कुछ बोलूं रोहित जी, बोलिए बोलिए। राम जन्मभूमि का जो पूरा पूरा जो आंदोलन था और राम सेतु वाला था, ये उन सबसे पहले है। राम सेतु की ज्योग्राफिकल एविडेंस, सैटेलाइट इमेजिंग से लेकर पता नहीं क्या क्या था जो कि सबके सामने था। मैंने अभी आपने क्या बात करी, मैंने कहा उन्होंने एक बयान दिया, उसका प्रमाण देंगे वो तो फिर आगे कोई बात होगी। किसी का लिखा हुआ प्रमाण नहीं होता, जैसे राम सेतु की सैटेलाइट इमेजिंग थी, राम जन्मभूमि के नीचे की जो चीजें थी उसके कार्बन डेटिंग से लेकर बहुत दसियों चीजें, दसियों एविडेंस थी उसके अंदर, और उसमें तो जो आर्कियोलॉजिकल किताबें थी, ये नहीं थी कि कोई 20वीं सदी में लिखी हुई किताब थी, जो उस जमाने के ट्रेवल लॉग्स थे और उस जमाने की किताबें थी उसका वर्णन था वहां पे, मित्तल साहब के मंदिर का वर्णन। मित्तल जी, मित्तल साहब, किसी की हिस्टोरिसिटी और किसी का एविडेंस। सुधांशु जी बोलिए, शंकराचार्य की एक बात को आपने ये कह दिया कि साहब उन्होंने उनका अपना काल्पनिक बात थी, उन्होंने एक बात कह दी, जो भी आपने कहा उन्होंने उसमें दो बातें कही हैं, दो बातें आप उनकी रिकॉर्डिंग उठा करके देख लीजिए, उन्होंने दो बातें कही हैं कि जितनी जल्दी हो सके 1400 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है, तो आप जो है हिंदुओं की सरकार आई है, जितनी जल्दी हो सके बड़े बड़े काम कर लिए जाएं, कोई भरोसा नहीं है सरकार का कब गिर जाए। और आपको लग रहा है कि आप मामले को डाइवर्ट कर लेंगे और इसको फिर उसी जगह ले आकर खड़े कर देंगे जहां आपस में सब लड़ने लगे? नहीं, लड़ने वाली बात नहीं, उस बात पर फिर इत्तेफाक कर रहे हैं, जिस पर बात हो रही है। हमने वो बयान सुना है क्या कि उन्होंने ऐसी बात कही है? हम तो सुनकर ताजमहल पर बात हो रही है ना, जब वो उनकी बात को इनकार कर रहे हैं। अगर वो बयान आएगा उस पर चर्चा होगी तो अब भी हम आपको बुलाएंगे, आप उस पर विस्तार से बात कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार आ रहे हैं या आखिरी बार आ रहे हैं, इसके पहले ऐसे बयान आए, आप उस पर चर्चा के लिए यहाँ बैठे रहे, ताजमहल पर बात हो रही है ना, तो मैं वही तो उस पर बात कीजिए। मैं वो कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ताजमहल की बात की, ये क्यों इनकार कर, जांच करवाए ना, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट जांच की तैयार नहीं हो रही है? तो वो कह तो रहे हैं विवेक विराट साहब कि हिंदू संगठन पहले उसकी या तो सैटेलाइट इमेजेस ला दें या कुछ ऐसी चीजें सरकार के सामने रख दें जैसे राम मंदिर के मामले में आ गई थी या राम सेतु के मामले में आ गई थी। देखिए सुधांशु मित्तल जी, अगर आप सिर्फ प्रमाण ही मानते हैं तो आप अभी भी आज भी अगर वहां जाके देखेंगे तो गुंबद के ठीक ऊपर आपको त्रिशूल बना हुआ नजर आएगा और आप चित्र में भी देख रहे हैं टीवी के ऊपर, और उसमें कलश बना हुआ है। उस त्रिशूल का क्या मतलब है इससे आपको जानकारी नहीं मिलती क्या? उस कलश का क्या मतलब है इससे आपको जानकारी नहीं मिलती क्या? अब आप कहेंगे कि वो चांद है, हम कहेंगे वो त्रिशूल है, अपनी अपनी दूसरी देखिए अब वही अपनी अपनी नजरिया हो गया ना, तो हम हिंदू हैं तो हिंदू नजरिए से देखेंगे। दूसरी बात, जो महल शब्द का प्रयोग ताज महल में किया गया है, वो महल तो दुनिया के इस्लाम के किसी भी धर्म में महल शब्द आया ही नहीं है। महल तो हमेशा हिंदू राजाओं के हुए हैं। ये कब्र का नाम महल कब हो गया? और मुमताज का तो असली नाम मुमताज अल जमानी था। अब मैं एक चीज और साथ में जोड़ देना चाहता हूँ। प्रोफेसर मार्विन मिलर न्यूयॉर्क के हैं, उन्होंने जो नदी की तरफ का दरवाजा है ताजमहल का, वहां से सैंपल्स लिए थे और ये जानकारी मिलती है कि उसकी कार्बन डेटिंग के मुताबिक
वो 300 साल पुराना दरवाजा था शाहजहां के समय से पहले। बिल्कुल। तो जब उस समय उन्होंने करवा दी कार्बन डेटिंग सुधांशु साहब, तो आज की तारीख में केंद्र की सरकार को या बुक्कल नवाब साहब, आज की तारीख में राज्य की सरकार को इस दिशा में एक जांच इनिशिएट करने में आपत्ति क्या है? सुधांशु जी आपसे पूछूं, पहले बुक्कल साहब से पूछ लेता हूं, मैं भूल गया था कि वो भी बैठे हैं। नवाब साहब, राज्य की सरकार को क्या आपत्ति है कि मामले में कोई जांच हो जाए? सुधांशु जी एक मिनट, एक नहीं देखिए, ऐसा सुधांशु जी जितनी भी बातें इस वक्त कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, वो सिर्फ घुमाओ फिराओ वाली कर रहे हैं, सीधा स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। और वो विश्व हिंदू परिषद और हमारे धर्मगुरु जो ये बैठे हुए हैं, इनकी बात को भी वो डिनाई कर रहे हैं। ये सही है अंसार साहब का कहना, मौलाना अंसार साहब का कहना कि ये जो है घुमा फिरा के जो है अपना काम निकालना चाहते हैं, और ये वही करना चाहते हैं जो घुमा फिरा के मतलब हम उसी इशू पे आ जाएंगे, हमारा ये शिव मंदिर है, जबकि हमको वो चांद सीधा सीधा नजर आ रहा है। और वो चांद है वो कलश आपको नजर नहीं आ रहा है साहब, चांद के ऊपर वो कलश भी है, उस कलश पे नारियल रखा हुआ है, आम के पत्ते भी है, और जिस जगह कब्र है उस कब्र के ऊपर आसपास ओम शब्द भी बना हुआ है, ऐसे कई प्रमाण वहाँ मिलते हैं। आज भारत भर का राष्ट्रीय धरोहर है। एक मिनट बुक्कल नवाब साहब, विश्व के अंदर नवाब साहब के बदौलत बैठक हमारे भारत आते हैं। बुक्कल नवाब साहब इस तरीके के मुद्दे छेड़ के और जिस तरीके से आप थोड़ा सा उठाना चाहते हैं, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को भाई पार्टी तो भगवा कला को भगवा आतंकवादी बोल दी है। ये विश्व के अंदर नवाब साहब, विश्व की धरोहर है। नवाब साहब आपने राष्ट्रीय धरोहर तो कह दिया, सकते मुमताज महल मोहब्बत मकबरा है, आवाज आ रही है, बुरहानपुर में उनका इंतकाल जरूर हुआ था। नवाब साहब आवाज आ रही है, दफन हुई थी आगरा के अंदर ही, वो दफन हुई है। लोगों को छबूखा चाहिए, कुछ दिन के लिए हमारी सरकार आई है, एक साल के अंदर आपकी सरकार जो है धीरे धीरे करके वापस जा रही है दिल्ली से वापस, आप भी जा रहे हैं उनके साथ, सुन लीजिए, नामो निशान नहीं है, बस कीजिए बुक्कल जी, आना नहीं है बुक्कल नवाब साहब, आवाज आ रही है, नहीं है बुक्कल नवाब साहब, छबूखा छोड़ते रहिए और जनता को आपस में परेशान करते रहिए, हमारे हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते रहिए, जो आपका काम है वो आप करिए। बुक्कल नवाब साहब काम है, त्यागी जी ने गलत व्यक्ति के लिए वो शब्द इस्तेमाल, सुधांशु जी मैं खंडन कर चुका हूँ, ठीक ठीक रुक जाइए प्लीज सुधांशु जी, चर्चा हो रही है ताजमहल की बात, तथ्य की बात, एक चीज बुक्कल नवाब साहब आपने ये तो कह दिया राष्ट्रीय धरोहर है, बुक्कल नवाब साहब आपने आजम खान साहब से पूछी ये बात, कह दूं कि नहीं, वो तो कहते हैं कि वक्त की संपत्ति है, नमाज करने के लिए दरवाजा खोलिए वहां पर, आप कह रहे हैं राष्ट्रीय धरोहर है, पहले तय तो कर लीजिए, आपकी पार्टी में आप ही के नेता अलग अलग बयान देते हैं और आपकी सरकार का कोई स्टैंड नहीं होता उस पर, होती है, लेकिन अगर वक्त की संपत्ति होगी तो राष्ट्रीय धरोहर को तो नुकसान पहुंचाने को नहीं कहते हैं, राष्ट्रीय धरोहर तो मानते हैं हमारे आजम भाई, बहुत बढ़िया, ये राष्ट्रीय धरोहर, नहीं नहीं राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं, अपनी मिल्कियत बना ले उसको, नवाब साहब कुछ दिन की सरकार इनकी आई है, बोले मौलाना बोले, नवाब साहब थोड़ा धीरज रखिए, उम्र के आखिरी पड़ाव पे है, आप कहीं आते ना खिंच जाए, मुद्दे सुन लीजिए, ऐसा है आजम खान साहब ने जो बात कही थी उस वक्त, इसको वोट के हवाले कर देना चाहिए, तो क्या आप आजम खान की उस बात से सहमत हैं क्या जी? फिर आप राष्ट्रीय धरोहर क्यों कह रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि वह हिंदुस्तान की बेशकीमती अमानत है, उसे वहीं रहने दीजिए जहां है, उसे डाइवर्ट मत करो, और जहां तक नमाज पढ़ने का सवाल है तो ताजमहल के अंदर नमाज नहीं होती, वहां जो मस्जिद बनी हुई है उसमें नमाज की इजाजत मांगनी चाहिए थी, जहां जुमा होता है वहां कोई तुक नहीं बैठ रही थी उनके सवाल करने की, तो ताजमहल में जो मस्जिद बनी है अंसार भाई, अंसार साहब, जहां पर मस्जिद है वहीं जो है कि नमाज होती, ताजमहल के अंदर नहीं होती है, वही तो हम कह रहे के लिए वो तो वहां खोलने की बात कर रहे थे, ताजमहल में पढ़ो, आप इस तरीके से बहकाने वाली बात मत करिए, अरे गुमराह करने वाली बात मत करिए, हमने कभी भी नहीं कहा कि हमारा राष्ट्रीय धरोहर नहीं है, हमारे आजम भाई ने कभी भी नहीं कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर नहीं है, हम हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, अगर राष्ट्रीय धरोहर तो बकवोट में देने की मांग क्यों कर रहे हैं फिर, वो पहचान है और पहचान हमें बढ़ रही है, उसको आप आप उसको अरे दूसरे की भी सुना कीजिए, आप विश्व हिंदू परिषद और भाजपा और ये सब मिलकर खत्म कर, दूसरे की भी सुन लिया कीजिए जी, आजम खान साहब ने फिर क्यों डिमांड की थी इसको, इसको सुन्नी वक्फ को दे देना चाहिए, रहा है कि क्या मानसिकता है और क्या विचार है, वोट को दे देना चाहिए, मुझे लगता है वोट को दे देना,
वक्त देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इससे राष्ट्रीय धरोहर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ लखनऊ के हमारे यहाँ लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा जो है भूल भुलैया, वो भी वक्फ बोर्ड का है। सर अभी तो आपकी बातें भूल भुलैया लग रही है लोगों को। पर्यटक जो है भूल भुलैया, बड़ा इमाम समझिए नहीं आते। अरे साहब समझिए, सुधांशु जी बोलिए, गंभीर चर्चा में गंभीर लोगों को बैठाइए। सर उनकी पार्टी जिनको भेजेगी हम उन्हीं को बुलाएंगे ना। भूल भुलैया में रखा है ठीक। सुधांशु जी, नवाब साहब, सुधांशु जी आपको नहीं लगता ओनस आप पर है? क्योंकि तमाम हिंदू संगठन जो इस मामले की पैरवी करते आए हैं पिछले कई वर्षों से, वो आपकी पार्टी से उम्मीद करते हैं, वो भुक्कल नवाब से उम्मीद नहीं करते, वो सुधांशु मित्तल से उम्मीद करते हैं। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ तमाम हिंदू संगठन जो इस मामले को उठाते आए हैं पिछले कई वर्षों से, वो भुक्कल नवाब से उम्मीद नहीं रखते, वो सुधांशु मित्तल से उम्मीद रखते हैं, और आप पल्ला झाड़ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। रोहित जी देखिए, ऐसा है कुछ चीजें, जब सरकार, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे लिए धर्म ग्रंथ क्या है, हिंदुस्तान का संविधान, अब कानून की प्रभुसत्ता मैं इस उस पे सरकार चलाऊंगा, और मुझे लगता है कि किसी भी सरकार का धर्म यही होना चाहिए और उस चीज की हमें तारीफ करनी चाहिए। आप उसमें जो है हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो लगता था कि आप भी कहेंगे कि सरकार जो है, सरकार का काम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होगा। आपने खुद ने कहा कि न्यायालय इसको देख रहा है, वो इसमें जो है निर्देश दे, सरकार फौरन करेगी, इसमें कब सरकार ने मना करा। लेकिन आप जो है जो चीज कह रहे हैं, आप कृपया एक चीज समझ लीजिए कि जब तक आज ये कानून है वहां सरकार के हाथ उस कानून से बंधे हुए हैं। आप कानून के प्रक्रिया के द्वारा उस पर निर्णय ले आइए, आदेश ले आइए, सरकार फौरन करेगी। अब आपको नहीं लगता कि जब एक प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा धर्म और मेरी धर्म ग्रंथ जो है वो हिंदुस्तान का संविधान है, तो ये अच्छी चीज है? ये बात आपके मुंह से सुधांशु जी अच्छी नहीं लग रही। अगर वो हिंदुस्तान के संविधान को अपना सब कुछ कह रहे हैं, किसको? तो जब जापान गए थे तो क्या लेकर के गए थे? आप इस तरह की बात मत लेकर डिबेट को मत बहकाइए। फिर आप भटका रहे हैं उस चीज को। हम नहीं भटका रहे हैं, उन्होंने बात ऐसी कही है। आप इस पर ले जा रहे हैं कि बहुत अंजार साहब, आप बहुत ही प्लीज, वो नहीं है अंजार साहब, आप थोड़ा बात करते समय तहजीब रखिए। मैं तहजीब से अंजार साहब, आप बातचीत करते समय तहजीब रखिए। मैं तहजीब रख रहा हूं। सुनिए, आप में दिक्कत क्या है? आप में इतनी सुन लीजिए बात ना, दूसरे आपने बोल दिया मेरी बात भी सुनेंगे। आप में बातचीत करते समय इतना जहर भरा होता है कि आप कोई भी बात में इतनी कटुता पैदा करते हैं। इसमें जहर भरी बात कर रहे हैं, हास्य कवि सम्मेलन नहीं चल रहा, जिस फोड़ पड़े की आप फोड़ पड़े की बात कर रहे हैं। क्यों? मतलब इतने विकृत मानसिकता के व्यक्ति आप हो सकते हैं? मैंने क्या गलत कह दिया? और मैं तो रोहित जी से निवेदन करूंगा, अगर आपको यहाँ पे कार्टूनों को लाके बैठाना है और इस तरह के बेहुदा लोगों के साथ हमें चर्चा करवानी है, मुझे रखवाया करिए। अगर वो वहाँ पे जाके आप इतने फोड़ पड़े का इंसान है, क्या फोड़ पड़े? वो कहते हैं मैं कानून को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, तो गलत कह रहे हैं। अगर वो गीता की किताब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो संविधान को नहीं माने, कैसे फोड़ पड़े का आदमी आप? हम गलत कहां कह रहे हैं साहब? रुक जाइए सुधांशु जी, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप भी ना करें जैसे आप दूसरों से सुनने पसंद नहीं करते हैं। प्लीज नहीं, अगर देखिए रोहित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सुनिए रोहित जी मेरा निवेदन समझ लीजिए, मुझे कम से कम दोबारा ना बुलाइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। पार्टियां मुझे यहाँ गंभीर चर्चा के लिए बुलाइए कि उनकी तरफ से पने के और ऐसे ऐसे आचरण के साथ मैं आने को तैयार नहीं हूँ। आप मुद्दे से भाग जाइए। मैं बिल्कुल मतलब जो आदमी ये कहे कि कानून की किताब जो है संविधान के किताब को नहीं मानना चाहिए, आप भी चर्चा करिएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उस चीज से जबरदस्ती आपको नाराज हो रहे हैं आप प्लीज एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। पूरा देश आप लोगों को देख रहा है और बड़ी उम्मीद से देख रहा है, प्लीज समझिए इस चीज को। मैं इसीलिए रोहित जी, आप मॉडरेटर हैं, आप मॉडरेट करिए। मैं मॉडरेट कर रहा हूं, आपको सीरियस बनाइए, आप मॉडरेट करिए। अगर मेरे से गलती है मैं माफी मांगता हूं ना सुधांशु जी, मैं गलत जुमलों का इस्तेमाल करता हूं ना बर्दाश्त करता हूं। उन्होंने क्या दिया? मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सुनिए अगर शब्दों की बात है, मेरे से शब्द का चयन गलत हुआ, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन अगर इस तरह के कुतर्क और इस तरह का जहर भरा यहां पे वातावरण बनाना है तो मुझे कोई इसमें रुचि नहीं है।
सुधांशु मित्तल साहब, मैं बहुत नर्म दिली से आपसे एक बात कह दूं, मैं आप हिंदुस्तान के संविधान का उतना ही एहतराम करता हूं जितना गीता का एहतराम करता हूं। मैं एक बात आपको पहले नॉलेज में बता दूं, और मैं बहुत हिंदुस्तान का सुलझा हुआ आदमी हूं। फिर आपने तकलीफ क्यों जताई कि मोदी जी क्या लेकर गए थे जापान? आपने जो बात कही है मैंने उस बात को लिए कहा है। आप बार बार बात अगर धार्मिक की बात आप करते तो फिर एक धर्म होना चाहिए, वो संविधान है। करना चाह रहे हैं इसी चैनल पर इसी डिबेट में आप ये बैठकर कहकर गए थे कि नरेंद्र मोदी से बढ़िया आदमी कोई नहीं देखा। मैं अभी कह रहा हूं। और उसके बाद आज आप ये कह रहे हैं कि अभी कह रहा हूं चले गए थे, अगर वो कुरान लेकर चले गए होते तो क्या ज्यादा पाप हो जाते? आप एक हमारा मतलब एक एक स्टेप पर रहिए, इसलिए आप बातों को डाइवर्ट वो पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। प्लीज, सुधांशु मित्तल अकेले के प्रधानमंत्री नहीं है। विवेक विराट साहब, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, कुछ समय पहले तक इन्हीं शंकराचार्य को लेकर आप ही लोग आरोप लगाते थे कि ये कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हैं, और एक बार नहीं कई बार ऐसे मामले आए, और आज उन्हीं की बात को लेकर आप नारा लगा रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने कह दिया है इसलिए इस बात की चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए, अगर आप मेरे लिए ही व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसा मतलब कभी नहीं कहा। हिंदू संगठन, अगर कुछ हिंदू संगठन कहते होंगे मैं उस बात पे नहीं जाता, परंतु हमारा मानना है कि जो धर्म के रक्षक हैं, शास्त्रों के रक्षक हैं और हिंदुओं के जो रक्षक हैं, उन्होंने अगर कोई बात उठाई है, कोई विषय उठाया है, तो वो कहीं ना कहीं सत्य पर आधारित है। ऐसे झूठ वक्तव्य वो कभी नहीं दे सकते, और सरकार को इसमें बुराई क्या लगती है, उसका जांच करा ले, शोध करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इसमें। ना तो सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को बुराई कोई विघ्न होना चाहिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। उसको कोर्ट में जो भी आता है फैसला उसके हिसाब से वो मान लिया जाए। लास्ट कमेंट जल्दी से। सुधांशु मित्तल साहब भी बैठे हुए हैं, बुक्कल नवाब साहब भी बैठे हुए हैं, दोनों लोगों को चाहिए दोनों लोग मिलकर के आपसी में बात करके इसकी कायदे से जांच करा ले, ताकि ये विवाद खत्म हो, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की तरह विवाद इसको ना बनाया जाए। दूसरा, हमें अब डर ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में पता नहीं कौन कौन सी हमें मतलब एक भारतीय होने के नाते हमें मतलब आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी तरफ से कहने लगे अपने आप ही। नहीं, मैं सबकी तरफ से इसलिए कह रहा हूं कि जो बात कहने जा रहा हूं वो पूरी कौम की बात आ रही है, पूरे मुल्क की बात आ रही है। फिर चीजों को घुमा फिरा कर मैं ये कह रहा हूं, आगरा लेकर आता हूं, आप घुमा फिरा के फिर दिल्ली चले जाते हैं। डर इसलिए लग रहा है कि कल ऐसा ना हो कि कुतुब मीनार के नीचे कुछ निकल आए, लाल किले के नीचे कुछ निकल आए, तो उसके लिए तैयारी तो हम लोग कर लें। सर, तो मसला ये है, इतिहास तो आपने भी पढ़ा होगा ना, आपको भी पता होगा कहाँ कहाँ नीचे क्या क्या बना था और बना कर तो उसको तोड़ के बनाया। मैं समझ में ये बात डर की वजह कुछ भी कह लीजिए, हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है इस वक्त। मैं डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कि मैं एक बयान सुन के आ रहा हूँ। मैं ठीक, कुछ भी हो सकता है। सुधांशु मित्तल, लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गुजारे साहब के है अंसार मियां से एक मेरा सवाल है। साहब अंसार मियां साहब, आपको ये जो डर लग रहा है तो हजारों साल की चोरी की हुई चोरी डकैती का जो माल दबा पड़ा है, अगर दावेदार सामने आ जाए तो सामने देना चाहिए कि लुटेरे को दे देना चाहिए? कौन मना कर रहा है? आप जांच करवाओ ना, गिरवा लो ताजमहल जैसा बाबरी मस्जिद गिरा दी, इसको भी गिरा करके जांच कर लो। अब मतलब अब ये स्वागत योग्य बात है, झगड़िए, इस बात का स्वागत कर लीजिए। त्यागी जी, तिवारी जी, आपने स्वागत कर दिया, लूट का माल लुटेरे को नहीं मिलेगा। सुधांशु जी, स्वागत कबूल तो कीजिए कम से कम, सब लोग जांच की बात कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं उसका, लेकिन आप भरोसा तक देने को तैयार नहीं कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि जांच की दिशा में सोच सकते हैं। बिल्कुल, इनकी जांच का स्वागत कराइए। आखिरी बात सुधांशु मित्तल, लास्ट कमेंट प्लीज। मैंने कहा कि आपस में दोनों में सहमति है तो बहुत ही अच्छी चीज है, न्यायालय में जाएं, वहां से ऑर्डर ले आए और सरकार फौरन जांच करवा देगी। सरकार किसी भी जांच को कोर्ट के निर्देश में करने को हमेशा तैयार रहती है। ये जिम्मेदारी आप ही उठा लीजिए। और जब दोनों चीजें, दोनों समाज तैयार हैं, नहीं जो दोनों समाज तैयार हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है? जाइए कोर्ट से ले आइए, कोर्ट भी इस चीज का स्वागत करेगी कि भाई दोनों समाज चाहते हैं जांच हो जाए, तो उनको क्या दिक्कत होगी? न्यायालय जो है फैसला वो देगी, निर्देश देगी, सरकार करवा लेगी। इससे बढ़िया तो चीज ही नहीं होती है। और अंसार साहब ने बड़ी अच्छी चीज कही, आज जाइए आप दोनों जो है कल ही जाके आगरा में कोर्ट में एफिडेविट दे दीजिए कि आप दोनों तैयार हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं सरकार इसमें क्या भूमिका निभाती है। सरकार बैठकर केवल टीवी पर डिबेट देखेगी या सरकार का भी कोई रोल होगा इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, लेकिन चलते चलते एक ट्वीट पढ़ देना चाहता हूँ। सरकार जो है जांच करवाएगी जब कोर्ट का ऑर्डर ठीक, आपने प्रमाण की बात की थी। देखिए चलते चलते एक ट्वीट पढ़ देना चाहता हूँ। किसी ने लिखा है कि राम सेतु का सैटेलाइट फोटो इसलिए चाहिए था क्योंकि वो पानी के नीचे छुपा हुआ था, ताजमहल जमीन के ऊपर सीना ताने खड़ा है और दूर से दिखाई पड़ता है, फिर भी आप प्रमाण मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आज के लिए इतना ही, ताल ठोके में।